ROIB तीनों चालू किया तो ये चालू होगा पैनल। अच्छा हाँ ये नंबर है ना, एक दो तीन पाँच। ये सर क्या हुआ है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम चकाचक है। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। अंकल जी आज कंट्रोलर को फिट कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल ऑलरेडी लग चुका है, मैं दिखाऊंगा आपको कंट्रोल पैनल। ये देखिए, यहाँ से सब कुछ मॉनिटर होगा। ये तीनों फेज का दिखा रहा है, यहाँ पर फीडिंग, स्पेस हीटिंग, फैन, सब कुछ का यहाँ से मॉनिटर होगा। ये कंट्रोल पैनल है और जो कंट्रोलर है, इसको जो कंट्रोल करता है वो ये है। अंकल जी, कंट्रोलर के बारे में बताएंगे थोड़ा आप? सर ये कंट्रोलर है, जैसे आप टेम्परेचर सेट करेंगे हाँ वैसा ही ऑटोमेटिक चलता है। वो जो अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम जो है, हाँ वो जो आपने टेम्परेचर इसके ऊपर सेट किया है उसके हिसाब से अच्छा ऑटोमेटिक चलेगा। इस पे सेट करना है हमने? हाँ, इसके ऊपर टेम्परेचर सेट करने का खाली। अच्छा 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 वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा वो। तो गाइस, जो दिमाग होता है इसका होता है, ये सब कुछ पूरे फार्म में कंट्रोल पैनल को यही मैसेज देता है, यही रन करवाता है जैसा हमें चाहिए होता है, टेम्परेचर और कूलिंग जो भी हमें चाहिए होता है वो सब ये काम करवाता है। ये सर क्या हुआ है? ये कूलिंग था, यहाँ हीटर था, ये सिंगल फेज, ये नहीं क्या, ये सिंगल फेज ऑलरेडी, ये सिंगल फेज है और ये सिंगल फेज का ऑटो है, ये था हीटर का अच्छा सिंगल फेज है ना। पर अभी क्या हुआ है, इसका करंट ज्यादा था ना, सिंगल फेज है ना, मोटर का करंट ज्यादा है ये लास्ट वाला, नहीं क्या, तो ये हमने यहाँ कूलिंग का मोटर डाल दिया, सिंगल फेज आया मोटर और थ्री फेज का नहीं था, तो हमने ये हीटर का यहाँ दिया, वो हीटर को करंट कम ले रहा है ना, तो हीटर को यहाँ दिया है ना। तो ये देखो सर, ये हमने सिंगल फेज ही किया है, ये जो लाया ना, ये अभी ऊपर वाला फेज, ये फेज है और ये है, हमने न्यूट्रल यहाँ से लिया है, ये ठीक 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 यहाँ से न्यूट्रल लेके यहाँ आया है, और इसका दो फेज है वो अंदर लूपिंग अंदर है, टेप लगा के अच्छा रखा है, अच्छा अच्छा वो चलता है ऑटो, अंदर लगा है। थ्री फेज आया ना आपका पंप आया ना, थ्री फेज, ये ये जो तो हाँ ये खाली ये दो निकाल के, ये जो सिंगल फेज है ना इसको लगाना, ये निकाल के यहाँ लगाना, वो सिंगल फेज होगा या अपना कौन सा हीटर होगा। समझा नहीं। हाँ, अगर हमने कूलिंग तो इधर ही रहेगा ना बाद में भी? कुछ नहीं, अपना आया ना, अब थ्री फेज मोटर लाया, थ्री फेज मोटर लाने के बाद ये हीटर का निकालने का, दो यहाँ लगाने का, मुझे सिंगल फेज हो गया तो एक काम कर दो ना, हीटर तो उधर, अभी भी सिंगल फेज है हमारा कौन सा हीटर, हाँ सिंगल फेज तो है, ये दो तो अभी भी निकाल सकते हैं। नहीं, अभी कूलिंग पैड भी सिंगल फेज है और हीटर भी सिंगल फेज है, तो इसमें हीटर में तो ज्यादा फेज लगा है ना अभी? नहीं ना ज्यादा कहाँ है, नहीं अच्छा एक फेज और एक न्यूट्रल, अच्छा अच्छा ठीक। एक फेज आया एक न्यूट्रल आया, और इसका दो फेज था वो निकाल के इसके अंदर रखा है, ठीक हो गया ठीक हो गया। आपका पंप आया ना, तो ये अंदर का है, यहाँ ROIB यहाँ दिया, ये न्यूट्रल निकाल देने का ऊपर वाला, ठीक वो ठीक थ्री फेज हो गया, मुझे इधर अच्छा। जो वायरिंग है ना निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से फिर आना यहाँ होगा, पे कूलिंग आ जाएगा, हीटर यहाँ आ यहाँ आ जाएगा। जाएगा, ठीक ये ठीक ऑलरेडी सिंगल फेज है, और हीटर थ्री अपना कूलिंग पैड का मोटर थ्री फेज आया ऑलरेडी, ये निकालने का, वो यहाँ से न्यूट्रल लाया हाँ, ये वो निकाल निकाल। दिया, उसके अंदर जो है उसके अंदर थ्री फेज का दो वायर है, यहाँ एक लगाने का यहाँ एक लगाने का, ठीक हो ये गया। तीनों आया ROIB अपना चलेगा, उधर भी थ्री कोर का वायर है उधर, ठीक वो ठीक भी ठीक थ्री फेज उनको दे सकते हैं मोटर को, अच्छा अच्छा है ना, ठीक मुझे ऐसा दिक्कत नहीं कोई, ठीक ठीक उसकी टेंशन तो मत फिर लो। बाद हाँ में फिर ये हो जाएगा हमारा हीटर, हीटर वो हो जाएगा कूलिंग। कूलिंग ठीक हो मुझे गया थ्री ठीक फेज वाला। हो गया ठीक हो गया। ROIB तीनों चालू किया तो ये चालू होगा पैनल।
अच्छा, अभी देखो ये वन जब नंबर भी पे। हमारा लॉट खत्म हो जाता है तो उस टाइम बंद कर देने का ना। हाँ भाई, मेन स्विच ही डायरेक्ट बंद करने का। अच्छा, यहीं से हाँ तो ये तो ये, हमेशा ऑन रहेगा, हाँ ये तो हम ऑन में रखने का। भाई ये तो अभी कभी कभार ये ऑन नहीं चला ना तो आप बोलेंगे ये स्विच ऑन है, पर है। क्यों नहीं चल रहा है, पर ये ऑफ होगा ना तो ये ऑन किया तो भी नहीं चलेगा। है कि अभी नहीं? अभी ऑन ऑफ है, ऑन है। ऑन है अभी सब। अच्छा, ऊपर को ऑन है। हाँ, ठीक, ऊपर ऑन। नीचे ऑफ। हाँ अभी फैन नंबर वन, ओके, फैन नंबर टू, फैन नंबर थ्री, फोर, फाइव फाइव एंड सिक्स सिक्स, ये हो गया फैन के, ये रिले फैन के हैं। नंतर है हीटर है आपका, हीटर। अच्छा, हीटर के बाद फीडिंग वन, फीडिंग टू, फीडिंग थ्री, फीडिंग का तीन हो गए। इसके बाद आया कूलिंग पैड। एसी का, हाँ कूलिंग पैड अपना सिंगल उसका फैन का। रिले हो गया नीचे। हाँ उसका ये रिले नीचे वाला। क्या हुआ था, कूलिंग पैड यहाँ आया था हीटर के, यहाँ आया था, पर वो सिंगल फेज मोटर आया ना, थ्री फेज होता है ना तो यहाँ आता था। अभी वो सिंगल फेज आया ना इसलिए यहाँ डाल दिया है इसको। अच्छा, ठीक। ये पैनल में हो गया ना, वैसा चाहिए। अभी ये फैन वन का ये यहाँ है, फैन टू का यहाँ कनेक्शन है, फैन थ्री का उसके, मुझे बराबर सीक्वेंस नहीं है, ऐसा जैसा ये अच्छा सीक्वेंस है वैसा इसका सीक्वेंस है। अच्छा तो एक फैन का तीन लाइन होगा ना इसमें, करंट हाँ आर वाई तो बी नहीं है ना? आर नहीं, आर अच्छा, वाई बी। ये तीन, हाँ और तीन, फिर ये दो, वो ये एटो का है, ये एटो जो का। कंट्रोलर है ना, ये अच्छा कंट्रोलर का वायर वहाँ से आया है, ठीक, ये एटो में है। अच्छा हाँ ये भी कंट्रोलर का है। ठीक है, जैसे सीक्वेंस फैन का है हाँ वैसे ये तीन, वो पहला ऐसा। हाँ आर, फैन, दूसरा दूसरा, फैन, तीसरा तीसरा। फैन, चौथा फैन, पांचवा यानी छह फैन हो गए। उसके बाद आया हीटर, हीटर के बाद आया अपना फीडिंग वन, फीडिंग टू, फीडिंग थ्री, अनंतर अपना कूलिंग पैड। हाँ। अच्छा ये बताओ ना, हीटर तो हमारा सिंगल फेस है, तो हाँ फिर हाँ इसमें थ्री फेस में नहीं, कैसे? वो कन्वर्ट किया ना आपका मोटर तो पहले था ना। हाँ अच्छा, और दूसरा एक है यहाँ, यहाँ कुछ चेंजेज है? ये नंबर है ना, ये एक दो तीन पाँच, ये नीचे है, वो फैन नंबर है, एक दो तीन चार पाँच। हाँ हाँ नीचे पाँच छः, छः फैन हो गए। ये आपका एटो, एटो मोड है, अच्छा, एक नंबर फैन, ऑटो ये का ही एटो का होगा, ये कितना नंबर हो गया, फैन नंबर चार का। चार का हो गया। ठीक। उसके बाजू वाला दो नंबर है हाँ, इधर का, ये ऑटोमेटिक चलने वाला, ये ऐसा ठीक ऐसा हो गया, ग्रुपिंग रहता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये तीन नंबर इधर का कोना, चार नंबर उधर का कोना ठीक, चलेगा, समझ गया। ये उधर का कोना चार नंबर, पांच नंबर उसके बाजू वाला, और पांच पांच में जो है ना वो कैसा होता है, टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हुआ तो ये चलेगा दोनों, लास्ट लास्ट पांच नंबर यहाँ है ना फैन के, एक दो तीन चार पाँच, ये हो गए फैन का, ये है हीट हीटर का, और ये है कूलिंग पैड का। तो इसमें सिक्स फैन क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं, फैन सिक्स है, ये फाइव नंबर में दो फैन लगाए इधर, अच्छा, फाइव में दो लगा दिया, फाइव। और ऑटो में। हाँ ऐटो में फाइव, फाइव अच्छा, ठीक। वो लास्ट नहीं कंट्रोल हुआ तो ये दोनों चालू होगा टेम्परेचर। अभी देखो उसको चालू करेंगे, ये अभी हमने वो टेम्प्रेरी सप्लाई वहाँ से लिया था इसको, अभी वो लगा देंगे, वो जो अपना ये है ना ये स्टेपलाइजर लगा है ना, वो लगा के स्टेपलाइजर से सप्लाई इसको देंगे। अच्छा, अभी टेम्परेचर दिखा रहा है कितना है, 12.5। ओके। तो हमें हमेशा यहीं से ऑन, ये तो ऑन रहेगा ना कौन ऑटोमेट, सा ये सारे ऑन अंदर रहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ ये तो लॉक रहेगा अंदर, अंदर सारा ऑन में रख ऑन जाओगे में आप। रखने का ठीक, कोई ये नहीं, ये यहाँ की है ऑन में रखने का, मुझे कुछ यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आपको जो करना है तो यहाँ करने का। अभी देखो फैन फाइव तक चालू हो गया है ये पूरा, ये नंबर फैन का नंबर है ना वहाँ से है, एक ओके। नंबर दो नंबर, इसके ऊपर नंबर भी डालो बाद में। अच्छा, मैं एक डालूँ? नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर छह नंबर, राइट। ऐसा टोटल छह फैन हो गए। आपके ब्रूडिंग के टाइम में ना चार नंबर चलेगा। अच्छा। हाँ ये आपका टाइमर पर चलेगा, आप जैसा ऊपर उधर सेट करेंगे ना उसके टाइमर पर ये चलेगा आपके ब्रूडिंग के टाइम में, मतलब चालू होगा 2 मिनट के बाद,
आधा मिनट या एक मिनट सेट करने का, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक चलता रहेगा, बंद रहेगा, ह्यूमिडिटी आपका बाहर निकल जाएगा। नहीं 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 वो सेट हमने करना है कि फैन इतना देर तक चलेगा? हाँ वो सेट करने का, मुझे पर अपब्रूडिंग के टाइम है ना, वो सेट करने का आपके हिसाब से एक मिनट या आधा मिनट। अच्छा हाँ वो सेट करने, वो हमें सेट करना है। हाँ सेट करने का कैसा, फर्स्ट कई बार क्या होता है एक मिनट ज़्यादा होता है, कई बार दो मिनट कम पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपका अंदर से पता चलता है ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है क्या, क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा थोड़ा सा देखने का। नहीं जैसे हम ऑटो में रखेंगे, ऑटो में अगर मैं ऑटो में रख दिया, हाँ हाँ टेम्परेचर में डाल दिया कि मुझे इतना रिक्वायरमेंट है, हाँ तो फिर ये ऑटोमेटिक खुद फंक्शन करेगा? हाँ वो ऑटोमेटिक करेगा वो, अच्छा पर ब्रूडिंग के टाइम है ना, हाँ ब्रूडिंग के टाइम में आपको थोड़ा वो सेटिंग थोड़ा सा देखना पड़ता है कि गाय के लिए ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है, अच्छा उसके हिसाब से चलता है, हाँ थोड़ा देखना भी पड़ता है टाइम अच्छा कम हो रहा है हाँ का ज़्यादा हो रहा है ठीक ठीक देखने का। ठीक वो ज़्यादा टाइम हो गया तो गैस कंजप्शन आपका ज़्यादा जाता है। अच्छा ज़्यादा ये फैन चला तो हाँ 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 ज़्यादा जाएगा। ठीक। हो गया सर एक नंबर, ये ब्रूडिंग के एक टाइम वन ये है ये कहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये चार नंबर का है ये, अगर अगर इससे नहीं होता तो उसके फिर ये बाद आएगा। दूसरा सेकंड हाँ जो पॉइंट है हाँ ये चलेगा। ओके वो आपका ब्रूडिंग खत्म होने के बाद अच्छा अच्छा टेम्परेचर उस टाइम आपका मेंटेन होना चाहिए। ये दो नंबर हो गए, ये हो गया बाद में है ना ये कॉर्नर आपका का कॉर्नर, वो कोने में चलेगा अच्छा ठीक तीन, और बाद में उसका वो कोने में चार हो गए। हाँ उसके बाद जो है आपकी ये एक दोनों भी चलेगा एक साथ। ओके ओके फिफ्थ नंबर में दोनों हाँ चलता। फिफ्थ नंबर ये आया, यानी ये जो है सिक्स नंबर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो टेम्परेचर ओके बाकी फीडिंग वगैरह तो सब ऑटो चलेगा, नहीं उसमें ऐड मेरे को तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस ब्रूडिंग टाइम में पिन ह्यूम। लगाने का, हाँ वो उधर वो ऐड कंट्रोल पैनल का स्विच ऐटो में चाहिए, अच्छा। हाँ ये भी बोलने का नहीं कभी, हाँ वो ऐटो में नहीं तो ये ऐटो में नहीं चलेगा ये। ये फीडिंग हाँ हाँ कंट्रोल पैनल वो में तो जो हमेशा ऐटो ऑटो। स्विच है ना ऐटो में चाहिए सब। ठीक। तो अच्छा ब्रूडिंग के टाइम में हमको फिर भी देखना पड़ेगा कि मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फिर फैन बढ़ाने का। आपके हिसाब से थोड़ा सा देखने का, हाँ कभी आपको लगता है कि नहीं नहीं ह्यूमिडिटी बढ़ रही है थोड़ा टाइम थोड़ा सा आगे थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने का थोड़ा। अच्छा अच्छा हाँ तो उसके हिसाब से करने का, ठीक ठीक और ज़्यादा चलाया तो गैस कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। ये येल है ना, हाँ 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 ये येल इधर जाना, मुझे ये जो अभी ये ऐसा है ना कि टोटल इसको अभी फुल पैक हुआ है ये, अच्छा घूम जाता थोड़ा सा दूसरा कुछ लाने का, थोड़ा सा ऐसा करने का अभी टाइट अच्छा हुआ है। लेफ्ट में घूमेगा। हाँ हाँ इधर ये साइड में, हाँ अच्छा और इस साइड में घूमेंगे ना तो ये रेगुलेटर का मतलब ख़त्म हुआ, जो अपना टैंक का प्रेशर से पानी आएगा ना वो चला जाएगा उधर। जब ये टाइट करेंगे उस टाइम में ये रेगुलेटर का प्रेशर मेंटेन होता है, ये लूज रहेगा ना उस टाइम आप बोलेंगे प्रेशर मेंटेन क्यों ना हो रहा, करें अच्छा रेगुलेटर का वाइंड फ्लैशिंग के टाइम में हमको इसको नहीं, इधर करने का। ये तो हमारा ऑन है, ये हमेशा ऑन में रहेगा, हाँ फ्लैशिंग के टाइम ऐसा करने का नहीं नहीं ऑफ नहीं 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 ये ऐसे इसको घुमाने का है, लूज करने का ऑन नहीं। में ही ऑन में घुमाना है, हाँ बंद करने का, घुमाने का, ऑन ऑन करने कर का। देने का और अपने आप ही क्लीन हो जाता है। प्रेशर से पानी चला जाता, अच्छा मतलब इसको दबाने का कुछ ज़रूरत कुछ नहीं। की जरूरत ठीक नहीं। हो गया ठीक। तो देखो दोस्तों आज एक और अपडेट यह है कि हमने जो ब्रूडिंग के लिए छतरियाँ ऑर्डर की थी वो पहुँच चुकी हैं, काफ़ी बढ़िया छतरियाँ, ये देखिए तो मस्त है। मेरे ख्याल से ये 2.5 फीट से तो ऊपर होंगे, 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट है इसका डायमीटर, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, इसमें जब बल्ब लगाएंगे तो बहुत मस्त लगेगा। ये देखिए बर्ड के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और हमने जो है चिक्स फीडर भी ऑर्डर कर दिए थे, ये चिक्स फीडर, ये देखिए गाइस ये चिक्स फीडर हमने इसलिए ऑर्डर किए थे, इसमें जो है जब हम फीड डालते हैं फीड डालने के लिए बहुत आसानी होती है, देखिए ऊपर से बिल्कुल इजी है, फीड वेस्ट भी नहीं जाता, इसी फार्म में एक्चुअली यही फीडर लगता है, और जगह भी लग सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट इसी फार्म के लिए बहुत बेस्ट है और दिखते भी सुंदर है। ये देखिए गाइस।
और एक और चीज़, ये चिक्स ड्रिंकर भी हमने ऑर्डर किए, ये सब कुछ देखिए आज ही लेके आया मैं। देखिए ये आज का अपडेट है, चिक्स फीडर ड्रिंकर और ये स्टैंड, उसके स्टैंड। और ये देखिए ये है जो हमारी ये प्लेट है, जीआई प्लेट जो छतरी है उसकी चैन है, ये उसके ऊपर से लगेगी सपोर्ट के लिए। और चिक्स ड्रिंकर तो नॉर्मली है जैसे रहते हैं, ये चिक्स ड्रिंकर के स्टैंड है, ये खाली ब्रूडिंग के टाइम पे यूज होगा, बाकी हमारे पास है ही। तो गाइस देखिए आज जीजा जी ने पूरा ये देखिए पूरा चमका दिया, ये देखिए कितना मस्त गोदाम बना दिया, ये तो बिल्कुल पोल्ट्री का गोदाम लग ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल बहुत ही मस्त लग रहा है, रहने लायक हो गया, बहुत अच्छा बना दिया। सर क्या लगे हो आज? चूना पुताई में। चूना पुताई? हाँ। पोल्ट्री फार्म में चूना पुताई बहुत ज़रूरी होता है। हाँ इसे आपको तो पहले से सब पता है पोल्ट्री फार्म के बारे में। हाँ। ये इसी फार्म है, बहुत सफाई मेंटेन कर रहे हो। हाँ। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आदमी के रहने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ। ना कि मुर्गियों के लिए है। हाँ, अच्छा तो दोस्तों आज हम अंकल जी को छोड़ने जा रहे हैं, अंकल जी और सोमनाथ भाई को, तो हम इनसे जानेंगे कैसा लगा यहाँ हमारे साथ रह के आप लोगों को, कैसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत काम अच्छा के बारे में बहुत अच्छा, इंटरेस्टेड काम किया, इंटरेस्टेड काम किया। और सोमनाथ भाई को आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा काम करके इधर, यहाँ मालिक ने बहुत रिस्पेक्ट दिया हमको काम करने। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग तो हमारे मेहमान है ना। बाकी दोस्तों जो वॉल्को से जो टेक्नीशियन और जो उनके साथ हेल्पर आए थे वो लोगों को भी ड्रॉप कर दिया था, और आज बुरा लग रहा है कुछ, मतलब आज हम दो ही लोग यहाँ पे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अकेला अकेलापन फील हो रहा है। और अंकल जी तो बहुत ही स्वीट थे, उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है, और उनके नॉलेज और उनका काम तो और भी सुपर था, बहुत अच्छे से समझा के गए। और वो बोल रहे थे लास्ट में जाते टाइम बोल भी रहे थे कि आपके यहाँ बहुत इंटरेस्ट से हमने काम किया, और मैं भी उनके काम को बहुत अप्रिशिएट करूँगा और उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो हम जीजा जी से भी जानेंगे, आज अंकल जी चले गए हैं तो बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे अंकल जी को, अंकल जी अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो? बस अंकल जी को याद कर रहे हैं बहुत, हम बहुत याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो? बिल्कुल यार मिस कर रहे हैं। अच्छा काम कैसा लगा उनका यहाँ पे हमारे? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम, मजेदार, मजा आ गया। अच्छा और कुछ बोलना चाहोगे अंकल जी को? बस हो गया, अपनी तरफ से कुछ? फिर फोन करेंगे। फोन करेंगे? अच्छा अच्छा दोस्तों हम फार्म को इस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं, जो पुरानी धारणाएं हैं कि मुर्गी फार्म में गंदगी होती है, पोल्ट्री फार्म में बहुत प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, हम वो पुरानी धारणाओं से हट के काम करना चाहते हैं। हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस को एक इतना साफ सुथरा माहौल देना चाहते हैं, इतना साफ सुथरा बिजनेस बनाना चाहते हैं कि लोग देखते रहेंगे। अभी तक जो हमारे इंडिया में मेंटालिटी है पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति कि कोई भी, जैसे हम बोलेंगे कि हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आदमी अलग तरीके का फेस बना देता है, उस ऐसा फेस बना देता है कि बहुत गंदा बिजनेस है और गंदगी होती है। बट हम इन सब से ऊपर उठ के हम एक ऐसे स्मार्ट तकनीकी से काम करेंगे और ऐसा स्मार्ट पोल्ट्री फार्म बनाएंगे कि आपको देखने में भी ज़रूर मज़ा आएगा। तो दोस्तों हो चुकी है शाम और अब हम आज का ब्लॉग एंड करने वाले हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हमारी वीडियोज आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मिंग एंड ब्लॉगिंग, बाय बाय, गुड नाइट।